और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की पिटाई को लेकर अब राजनीति गरमा गई है। ममता बनर्जी की सरकार बीजेपी के निशाने पर है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने पूछा है कि आखिर हिंदू विरोधी सोच क्यों है। ये तस्वीर जो सामने आई है पुरुलिया से, ये बंगाल में साधुओं की पिटाई हुई है। तीन साधु जा रहे थे और उसके बाद अब वीडियो सामने आने के बाद राजनीति गरमा गई है। बीजेपी ने ममता सरकार को घेर लिया है और अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करती हैं, हिंदू विरोधी सोच आखिर बंगाल में क्यों है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुरुलिया की घटना पर नाराजगी जताई है और अयोध्या में श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के समय बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्म भूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी ना मनाने दिया जाए और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया, इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहे। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहाँ लेकर जा रहे हैं और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।